हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान शाह है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूंगा उसका नाम है VideoScribe और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकते हैं। अगर आप फाइवर पर जाएँ या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाएँ तो बहुत से लोग हैं जो वाइट बोर्ड एनिमेशन बना रहे हैं। यकीन माने कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप गिग्स में अगर आप जाएं तो वाइट बोर्ड एनिमेशन ही नहीं है। लेकिन उसमें एक मसला है जो मैंने नोटिस किया, वो ये कि मैंने जो भी वाइट बोर्ड एनिमेशन देखी हैं वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा मतलब ये है कि मतलब बिल्कुल भी यूज़र को अट्रैक्ट नहीं करती। एज अ कस्टमर अगर आप खुद देखें अपनी नज़र को, तो मैंने वो एनिमेशन देखी, मैं बोर हो चुका हूँ। वो करेक्टर्स वो जो यूज़ करते हैं लाइब्रेरी से उठा के और वगैरह वगैरह। मैं आज आपको तरीका बताऊँगा कैसे आप उसको एक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और फील भी ना हो, ऐसा फील नहीं होने देना आपने बिल्कुल भी कि आपने VideoScribe में बनाया। क्योंकि VideoScribe अब इतने लोग यूज़ करते हैं कि अब इसकी वैल्यू, मतलब इस सॉफ्टवेयर की वैल्यू, मतलब जैसे ही आप किसी को पता चलता है ना कि ये वीडियो, मतलब थोड़ी सी ग्लैंस आती है कि भाई कि ये VideoScribe में बना हुआ है, एकदम से आप उसकी एक होती है कदर, एक किस्म की, वो आप खो देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको ये बताऊंगा कैसे आपने अपनी वीडियो को एक प्रोफेशनल लुक देना है, ठीक है, जितनी प्रोफेशनल हो सके एनिमेशन हो, ताकि अट्रैक्ट करे वो यूज़र को और सबसे मज़े की बात आप उसको महंगी बेच सकें। सबसे मज़े की बात देखें, अगर आपकी वीडियो वही होगी जो सब बना रहे हैं तो ये नहीं जाएगी $5 या $10 के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी वीडियो प्रोफेशनल है और अगर क्लाइंट आपको कहता है कि सर ये लें, तो आप उसको कोई सपोज़ अगर आप उसको जिस तरह मैंने दिखाता हूँ, एक सैम्पल बनाता हूँ, एक खूबसूरत सा जगह प्रोफेशनल सा सैम्पल, अगेन प्रोफेशनल मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। अगर पैसे ज़्यादा चाहिए तो आपको प्रोफेशनलिज्म में आना पड़ेगा, अगर आप पैसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म में, क्योंकि वो यूज़र जो क्लाइंट होता है वो कंपेयर करता है वीडियोज़ को ना, कि ये जो बंदा दे रहा है सर्विस और ये जो बंदा दे रहा है, इनमें फ़र्क क्या है। और इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊँगा कैसे आपने प्रोफेशनल वीडियो बनानी है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है VideoScribe में, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बारे में और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बता दिया, जो सॉफ्टवेयर में वर्जन भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ से जाएँ, ये जो साइड पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे जाएँ और अबाउट लिखें, तो मेरा है 2.3.0 और ये प्रो वर्जन है, जो भी है बड़ी मस्त सिंपल ही है सारे। अच्छा, बहुत से सॉफ्टवेयर बनाए मैंने, अगर आपको मैं एक सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत आपको प्रोफेशनल लुक दे रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा आपने स्टार्ट कैसे करना है। एक तो पूरा प्रोसीजर होना चाहिए ताकि आप रस्ते में बिल्कुल भी फंसे ना, बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहिए, क्योंकि बहुत तंग करता है, मैंने पहले वैसे ही बनाता रहा वीडियो फजूल में आगे पीछे करके, तो मुझे बहुत मसला हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया माशाल्लाह से, लेकिन अब बहुत ही मोमेंटम के साथ काम जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके फ्रंट पे होती है, एक फोल्डर बना दें व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के नाम से, और उसमें जो भी डिफरेंट एनिमेशन आप बनाते रहेंगे उसके फोल्डर बना दें और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी ये बनाया ईमेल वेरीफायर के नाम से, तो इस ईमेल वेरीफायर के नाम से आपने बना दिया। अब जो भी चीज़ें होंगी आपने इसके अंदर रखनी है, सपोज वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट और इमेजेस जो मैं बाहर से उठाता हूँ, या यूज़र जो मुझे देता है, ठीक है, उसका एक अलग फोल्डर, अभी यूज़र ने मुझे दी थी तो मैंने इसको इमेजेस के फोल्डर में रखा, और जो मैं इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ वो SVG फोल्डर में रखता हूँ। SVG के बारे में आपको बताता हूँ मैं क्या करना है, और वॉइस ओवर मैं अलग रखता हूँ इधर, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है आपने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले, जिस तरह मैं अगर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखेंगे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, सपोज ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले आपने फोल्डर बनाना है पहले से ही बिल्डिंग, ओके, नाउ अब क्या करना है, आपने VideoScribe ऑन करना है, पहले ऑन पड़ा, ओके। अच्छा, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि छोटी चीज़ें बड़ा फ़र्क डाल, एंड में आके बहुत फ़र्क पड़ता है आपको, तो आपने इसको भी फॉलो करना है लाजमी, ठीक है। मैं आपको आगे प्रोफेशनल चीज़ें भी सिखाऊंगा, लेकिन ये साथ चलेंगी तो आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ आएंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो हमेशा मैं करता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले आपने वॉइस ओवर ऐड करना है, सबसे पहले, ठीक है।
अपनी वीडियो में वॉइस ओवर ऐड करना है। और वो आप कैसे करेंगे, आपको पता होगा ये जो ऑडियो का साउंड है, यहाँ पे जाके जो भी ऑडियो है, सपोज़ मेरी यहाँ पर पड़ी है वॉइस ओवर ये इस्लामाबाद के नाम से, ठीक है, और ये ऑडियो इसमें डल गया, ऐसे साइन आ जाएगा ब्लू कलर का। और सब एक और काम जो मैं हमेशा करता हूँ कि मैं हाथ ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से अगर सारे हाथ हैं, किस हर किस्म के हाथ हैं, तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे वाज़े करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा आपको बहुत ये अंडरस्टैंड करें, बहुत ज़रूरी है ये। मैंने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखा है, मैंने जो यूज़र है जो वीडियो देखता है वो क्या चीज़ पसंद करता है। VideoScribe इतना आम हो चुका है कि ये जो हाथ है VideoScribe में जो लोग यूज़ कर, ये जो हाथ हैंड्स वगैरह हैं, ये जो जितने भी हैंड्स हैं, ये इतने कॉमन हो चुके हैं कि अब सच मुझे तो पसंद नहीं है, मतलब मैं इनको पसंद नहीं करता कि ये हाथ अब आए या लिखे। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा आप क्यों यूज़ करें इसको, या तो कोई डिफरेंट हाथ यूज़ करें, ये क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाथ यूज़ किया जाता है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है डिफ़ॉल्ट हाथ नहीं यूज़ करने। यहाँ पे देखें, मैंने बहुत से प्रीलोड किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हाथ है, ये मार्कर वाला हाथ है, अगर आप मेरा ये पॉइंटर देख रहे हैं, ये मार्कर वाला हाथ है, तो आप इसको चेंज करते रहा करें। अब जिस तरह ना आप अगर हैंड्स में जाएंगे ना, तो आप ऐसा करें किसी भी वीडियो के लिए ना एक पर्टिकुलर बंदा चूज़ कर लें। सपोज़ यहाँ पे हैना है, माइक है, आप उसके हिसाब से देखें, कस्टमर के हिसाब से जो किस कंट्री से है, ठीक है। सपोज़ अगर माइक है तो यहाँ पर इसके डिफरेंट हाथ आ जाएंगे। अब ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, आपने इसको भी गौर करना है, कोई मसला नहीं, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन हाथ आपने एक रखना है पूरी वीडियो में, एक ही बंदे का हाथ हो, ठीक है। अब जॉय है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉय के ये हाथ हैं। अब आपने कोई पतली राइटिंग कर रहे हैं, सपोज़ कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो आप उसके लिए कोई पेन वगैरह यूज़ करेंगे। अगर सपोज़ कोई हाईलाइटिंग है तो उसके लिए आप मार्कर यूज़ करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने कब चेंज करना है। लेकिन शुरू में मैं हमेशा ये करता हूँ कि इसको वाइट करता हूँ। वाइट का मतलब यह है कि कोई हाथ नहीं, सिंपल ड्रॉ करेगा ये। इसका मैं आपको बड़े फ़ायदे हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। ये बहुत सी आपको हैसल से बचा देता है बाद में, ठीक है। और एक और चीज़ हाथों के बारे में, हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी है, ये आप सुन लें। VideoScribe में हाथ, देखें वाइट बोर्ड एनिमेशन का मतलब ये नहीं कि आपने बीच में हाथ लाना है। वाइट बोर्ड एनिमेशन का बेसिक मकसद ये है कि पीछे बैकग्राउंड वाइट होगा। हालांकि आप वाइट बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड, लेकिन ये बिल्कुल फजूल है। ऑनेस्टली जितने भी हैं बिल्कुल भी वीडियो को बेकार कर देते हैं, अनलेस के आपने कोई मैथमेटिक्स समझानी है, तो उसके लिए पेपर होता है ये वाला, ये बहुत खूबसूरत लगता है मैथमेटिक्स समझाने के लिए। लेकिन अदरवाइज वाइट बहुत खूबसूरत लगता है अगर आपने एनिमेशन टाइप वीडियो बनानी है। अब एक चीज़ बताता चलूँ मैं आपको, हाथों का आपने तभी ये जो यूज़ करने हैंड्स, हैंड रिटन जब इस्तेमाल करने, जब आपने कोई मैथमेटिक्स है, किसी क्लाइंट ने आपको बोला कि कोई मैथमेटिक्स का स्क्रिप्ट है तो वो समझाओ, तब आपने हाथ यूज़ करने हैं। या कोई ऐसा क्वेश्चन है, या वेरी टिपिकली एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है, एजुकेशन को एजुकेशन के तरीके, तब आप हाथ यूज़ करें, उसमें मिनिमम यूज़ करें, ठीक है। मैं आपको समझा चुका हूँ, हाथ अब बहुत ही कॉमन हो चुका है तो वीडियो अच्छी नहीं लगती, ठीक है, ये मेरा मानना है, और आपको भी ये करना चाहिए। वीडियो प्रोफेशनल लगे तभी वीडियो आपकी प्रोफेशनल लगेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट हाथ यूज़ करने हैं आपने, ठीक है, लाइक पतली राइटिंग के लिए पेन यूज़ करना है, मार्कर तब यूज़ करना है जब आपने बोल्ड राइटिंग लिखनी है। अच्छा, अब एक और चीज़ म्यूज़िक के बारे में, ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, ये बहुत सारे बिल्ट इन मौजूद आपके पास अवेलेबल हैं, आप हमेशा वही चूज़ करें जिसके ज़्यादातर ये दो डॉट्स हैं। इसका यही मतलब है कि ये बहुत मीडियम लेवल का बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ना कोई ज़्यादा शोर शराबा है, ना बहुत ही कोई डल म्यूज़िक है, इसमें आस्ता आस्ता सब आवाज़ें आती हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ठीक है, आपने कभी भी, ये मेरी एडवाइस है और मैं जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको एडवाइस करता हूँ कि आपने कभी भी शुरू में म्यूज़िक नहीं ऐड करना, कभी भी, क्योंकि जब आप बार बार रिव्यू करेंगे ना अपनी वीडियो को, जब आप टेक्स्ट को, ऑडियो को टेक्स्ट के साथ मैच करेंगे, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है कि भाई हमने टेक्स्ट लिखा है वो मैच नहीं हो रहा ऑडियो, टेक्स्ट मैच नहीं हो रहा वॉइस ओवर के साथ, लेकिन जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही टेक्स्ट लिखा जाए, अच्छी हो जाएगा, आराम से हो जाता है। ऑडियो से पीछे बैकग्राउंड लगाएंगे तब भी होगा, लेकिन एक वो जो म्यूज़िक के पीछे वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है बार बार, तो यू नो आप उसको शुरू में बंद ही रखें, मोर फोकस करें वॉइस ओवर पे, क्योंकि सबसे पहले मैंने वो चीज़ ही वही डाली और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉइस ओवर, ठीक है, उसके ज़रिए आप लेके चलें, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
बाकी है ये टिपिकली ये ग्राफ्स तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किए, इससे बेहतर आप खुद डिज़ाइन कर लें अपना। अगर इलस्ट्रेटर आपको यूज़ करने आता है और आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, इलस्ट्रेटर और इनकी बहुत बनती है वाइट बोर्ड एनिमेशन की, अगर आप प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊँगा आप कैसे देंगे वीडियो स्क्राइब में, तो आप इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, और हमेशा वीडियो को सेव करें, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं होता कि कब क्रैश कर जाए, ठीक है। ओके, तो मैंने इसका बेस फिल्टर में सेव कर दिया। अगर बैक जाऊँ आपको दिखाऊँ, तो शुरू में कुछ सेटिंग्स होती हैं यहाँ पर, ये सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे, ये जो सेटिंग का ऑप्शन नीचे लगा है, तो शुरू में जितना कम से कम हो चुके कम से कम ट्रांजिशन टाइम रखें, कम से कम जितना रख सकते हैं, पॉज टाइम जितना कम रख सकते हैं, इसको 800 रहने दें, और जितना कम से कम हो सके आप इसका ड्रॉ टाइम रखें, कम से कम जितना रखें, मैंने 3 सेकंड वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत तंग करता है आप, क्योंकि आपको बार बार आप तस्वीर अपलोड करेंगे तो बार बार आपको ये कम करना पड़ेगा, ज़्यादा बहुत कम करना पड़ता है आपको, हमेशा कम ही करना पड़ता है। मोस्टली आपकी जो होती हैं क्या कहते हैं टेक्स्ट है या इमेजेस हैं, ये नहीं होनी चाहिए 2 सेकंड से ऊपर, ठीक है, तो आप 2 सेकंड रखें, मैंने 3 रखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा वो एनिमेशन मोस्टली मैंने क्रिएट किए हुए हैं, इस पर आ जाती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब आपने कैसे स्टार्ट करना है ये मैंने बता दिया, ठीक है, आपने कैसे इसको लोड करना है, कि आपने पहले वॉइस ओवर डालना है, उसके बाद हैंड आपने रिमूव करना है, वो मैं बताऊँगा क्यों, और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है शुरू में ही, ठीक है, और इसका वॉइस ओवर आपने कहाँ रखना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वाइट बोर्ड एनिमेशन मैंने फोल्डर बनाया था, ये ओके। अब जिस तरह मैंने ये देखें ईमेल एनवन ईमेल वेरीफायर, ठीक है, इसी के बीच में मैंने वॉइस ओवर रखा हुआ है, और ये वॉइस ओवर पड़ा हुआ है मेरा, इसमें SVGs पड़ी हुई सारी, और ये मेरी इमेजेस जो क्लाइंट ने मुझे दी थी जो मैंने वीडियो में यूज़ करनी थी, ठीक है। अब सबसे मज़े की चीज़ कैसे स्टार्ट, सबसे मज़े की करूँ सबसे अब कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, क्योंकि आपने वो तो रख लिया है पीछे, क्या कहते हैं आपने जो वॉइस ओवर है वो डाल दिया वीडियो में, अब आपने क्या करना है कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट साथ ही खोल लेनी है पीछे, ठीक है। अब इसको मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है क्योंकि इससे बेहतर रहता है, आपकी विजुअल बढ़ती है। अब देखें मैंने इसको जितना बड़ा हो सकता है टेक्स्ट करके टोटल एंड टू एंड, यहाँ पे देखें मैंने टोटली एंड टू एंड इसको रखा हुआ है ताकि फुल जितना बड़ा मुझे दिख सके और दिख जाए, और जो जिस लाइन में फोकस कर रहा होता हूँ उसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई देखें एक फ्रेम में आपने कितना जो वर्ड्स है वो लिखने हैं उसको आप हाईलाइट कर दें। सपोज अब पहली एनिमेशन है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से वीडियो स्क्राइब में जाता हूँ, वीडियो स्क्राइब में जाएंगे, और मैं अपने आपको ये जो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाई है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और वीडियो स्क्राइब हैवी है, बहुत हैवी है, अगर आपने इसको मतलब आप बड़ी एनिमेशन बना रहे हैं तो काइंडली आप थोड़ा पीसी पे भी ध्यान करिएगा, ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप अगर मेरे इवन कितना लोडिंग टाइम इसने लिया कि मेरे भी आपके लैपटॉप के पंखे की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी अगर आपको आ रही है तो होप करता हूँ कि इरिटेटिंग ना हो ये। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ अगर इसने रेंडर कर लिया तो। इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ईमेल्स और वन, ये देखें अब हुआ क्या, ये देखें इन द एरा ऑफ, अब पहला फ्रेम मेरा ये था जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा विजुअल देना था किसको, क्लाइंट को, सॉरी जो यूज़र है हमारा जो देख रहा है वीडियो उसको, ठीक है। आप देखें स्क्रिप्ट क्या थी मेरी स्क्रिप्ट थी इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ईमेल्स आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू मार्केट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस डायरेक्टली टू द क्लाइंट, ये मेरी मोटो था। लेकिन मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने क्या किया, यूज़र की टेंशन डाली, भाई मेरा ये जो पूरी वीडियो है ये किस चीज़ पर बेस्ड है, ठीक है, अब किसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक ऐप है जो हम बना रहे हैं
जो जो मेरे जिस पे हम काम कर रहे हैं उसमें ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ये ईमेल वेरीफाई करती है कि कौन सी ईमेल फेक है और कौन सी ईमेल फेक नहीं है, जो भी जितनी भी ईमेल्स पड़ी हैं उसमें फेक कौन सी है और फेक कोई नहीं। तो ये इसको बेसिकली ये एप्लीकेशन जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, बेसिकली सेपरेट कर देता है फेक ईमेल्स और वगैरह वगैरह। तो मार्केटिंग में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आपको पता चल जाए कि भाई ये ईमेल जो है ये एक्टिव है, ताकि आप उस क्लाइंट को टारगेट कर सकें। ठीक है, अब फेक ईमेल भी आप अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें, आप रोज़ उसको ईमेल सेंड करें, पता चले वो ईमेल ही फेक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग भी होगा। जाहिर सी बात है, टाइम का और मज़े की बात है। ये स्क्रिप्ट भी मैंने खुद तैयार की थी, ठीक है, स्क्रिप्ट भी मैंने खुद तैयार की है ये, और इसका वॉइस ओवर भी मैंने खुद तैयार किया है, तो वो भी आपको मैं बताऊँगा। स्क्रिप्ट ज़्यादातर यही होगा कि क्लाइंट आपको स्क्रिप्ट खुद देगा, अगर नहीं देगा तो आप उसे डेफिनेटली चार्ज करें, और अगर आप खुद स्क्रिप्ट नहीं बना सकते तो फाइवर बहुत से लोग हैं, ठीक है, क्लाइंट से अगर डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपने कितने पैसे लेने हैं। अगर अगर कोई आपको स्टैंडर्ड $10 की स्क्रिप्ट बना के दे रहा है तो डेफिनेटली आप $15 लेंगे क्लाइंट से या $20 लेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है वो। तो अगर आपको नहीं लिखना है तो मैंने लिख लिया, मैंने लिख के दिया, क्लाइंट को पसंद आ गई, तो ये मेरी स्क्रिप्ट है और इसी को मैं आगे लेके जाऊँगा। अब मैंने इस स्क्रिप्ट को पर्टिकुलरली खुद डिज़ाइन किया था कि कैसे हम, लेकिन कोई भी स्क्रिप्ट हो आप इजीली इस कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या, आपने जो सबसे पहले ना आपने हाईलाइट करना है किस चीज़ को आपने मेंशन करना है स्टार्ट में। अब मेरा क्या कह रही, इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अब यहाँ पे थोड़ा स्टॉप है। अब मैंने क्या किया, मैं डायरेक्टली जो जो यूज़र है, जो व्यूअर है, उसको मैंने टारगेट करना कोशिश की, भाई डिजिटल मार्केटिंग वालों को मैंने अपनी तरफ लाना है। तो मैंने क्या किया, ये एक इमेज ली थी, मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से ली थी मैंने, ये इमेज पड़ी हुई है मेरे, मैंने सेव करके रखी है SVGs में, ठीक है, ये इमेज मैंने मैं आपको बताऊँगा SVGs क्या होती हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना, बहुत बहुत ज़रूरी। मैम आप अच्छी वीडियो बना ही नहीं सकते अगर आप, मेरे ख्याल से, अगर आप SVGs के बारे में नहीं जानते। बहुत ज़रूरी है SVGs के बारे में जानना, क्योंकि आपको कभी भी आपके मतलब की PNG फाइल नहीं मिलेगी, मिलेगी भी, मिल भी जाए तो वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी एनिमेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो उस तरह बनी नहीं होती। वेक्टर फाइल हमेशा अच्छी होती है, SVG वेक्टर फाइल होती है, ठीक है, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा आगे जाके। अच्छा, करना क्या आपने अब ये जो मैंने ये डाउनलोड की थी, एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, मुझे हमेशा मैं उसे डाउनलोड करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए। उसका नाम है, ये मैंने देखा यहाँ पे, इसका ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसका ये जो ऊपर फ्री पिक नाम है इसका, ये मैंने ये इसका क्या कहते हैं इसको बुकमार्क मैंने इसको बना के रखा हुआ है। ये बहुत ही मज़े की एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सी वेक्टर फाइल्स आपको बहुत ही मतलब गुड डिज़ाइंस की मिल जाती हैं। आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये साइड है, यहाँ पे फ़िल्टर पे जाएँ, इसे वेक्टर पे क्लिक करें, वेक्टर के बाद फ्री पे क्लिक करें, ठीक है, फ्री और वेक्टर हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस दोनों पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ भी आप सर्च करें, अब सपोज़ मैंने डिजिटल मार्केटिंग अब सर्च करना, अब मसला क्या है, मसला देखें मेरी बात, मज़े की चीज़ है, अब ये डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, अब मैं आपको इधर ये क्विट करके दिखाता हूँ, ठीक है, अब ज़रा ये देखिएगा, मैंने जो एक एप्लीकेशन बनाई थी उसमें जाते हैं। अब मैंने यही इसी पे मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग ऐड करना है, ठीक है, चलते हैं ज़रा इमेज पे क्लिक करें, ठीक है, कोई भी इमेज मैंने किसके रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ऐड करनी है। अब इसकी अपनी लाइब्रेरी में अगर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इंटर दबाते हैं, पहली तो बात है कि मिलेगी नहीं आपको, ठीक है, अगर मिल भी गई तो अच्छी नहीं मिलेगी, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। हाँ, कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं, लेकिन मैं उनको खुद कस्टम डिज़ाइन करता हूँ, वो मैं भी आपको बताऊँगा मैं कैसे करता हूँ। अभी देखें, एक तो ये बहुत मसला है, ये बहुत हैवी, यकीन माने बहुत हैवी है ये VideoScribe, और अभी अगर ये थोड़ी देर तक ना चला तो मैं इसको पॉज करूँगा वीडियो, तब चलेगा तो फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा। ओके, चल गया, ग्रेट।
पॉज करें. ओके ग्रेट. अब देखें ये सर्च कर रहा है, ये इंटरनेट होना ज़रूरी है. एक और चीज़, इंटरनेट बहुत होना इंटरनेट होना ज़रूरी है अगर आपने सर्च करना है लाइब्रेरी में. और अगर ये बार बार इस तरह करे तो ये जो नीचे बार 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 जा रही है इसका मतलब इसको कुछ भी नहीं मिला. ठीक है, इसको कुछ भी नहीं मिला. तो अगर आप सिंपली आ जाएं डिजिटल को साइड करें, मैं बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको इसकी लाइब्रेरी में ज़्यादा डिपेंड नहीं करना. मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है. इसकी अपनी लाइब्रेरी इमेजेस होती हैं, मैं मानता हूँ होती हैं. अब देखिए मार्केट में भी नहीं है, मार्केटिंग में भी नहीं है. ग्रेट. इंटरनेट भी मेरा चल रहा है, यस चल रहा है. मार्केटिंग में भी कोई तस्वीर नहीं है, मार्केट में देखते हैं. यस देखें, अब मार्केट में मेरे पास ये तस्वीर, अब मुझे ये चाहिए ही नहीं. मुझे क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग चाहिए. अब मैं क्या करूँगा? अब जो बहुत से लोग गलती करते हैं, इंटरनेट पर जाएंगे, इंटरनेट पर गए और वो यहाँ पर लिख देंगे जी suppose digital marketing. अब मैंने सर्च किया है वही दिखा रहा दोबारा. अब देखें डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप इमेजेस में जाते हैं जाहिर सी बात है मुझे PNG चाहिए होगी. PNG के बगैर तो आपको पता है कि नहीं बना सकते आप, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव होना ज़रूरी है. अच्छा जी, सपोज़ मेरे पास एक ये तस्वीर है. सपोज मैं ये, मुझे ये पसंद आ गई. ठीक है, अब ये कह रहे हैं जी डिजिटल मार्केटिंग PNG वगैरह वगैरह, वाकई ये PNG है. अब देखें सपोज लोग कहते हैं यहाँ से किया, यहाँ से सेव एज किया, सेव इमेज एज, और इसको सेव कर लेते हैं जी PNG. इसका बहुत नुकसान है मेरी. अब इसको अगर आप सेव कर भी लेते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको सेव करके दिखा भी दूं, अगर यहाँ से मैं एनिमेशन, मैंने आपको फोल्डर जो बनाया था इसमें मैं अगर सेव करता हूँ, ठीक है, हो गई सेव. ग्रेट. अब पहली बात तो ये, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा. अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आपने वेक्टर यूज़ करना है और क्यों आपने PNG यूज़ नहीं करना है. ठीक है, मैं आपके कैनवस में आ गया. अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करना है? डिजिटल मार्केटिंग मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, एक PNG डाउनलोड कर ली. ठीक है, अब मैं जाता हूँ PNG में. ये बेशक आपको बहुत बेसिक लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जिससे आपकी वीडियो टोटली अनप्रोफेशनल लगती है. मुझे तो कभी भी व्हाइटबोर्ड एनिमेशन नहीं अच्छी लगी जिसमें आप PNG बहुत ही हद हो जाए तब आपको यूज़ करनी है. मैं आपको बताऊँगा किस जगह पर. तो अच्छा, इनमें से अगर आप तस्वीर ऐड कर भी रहे हैं, ठीक है, अगर आप तस्वीर ऐड कर भी रहे हैं तो हमेशा इस वाले को चूज़ करें, ये वाला. ठीक है, हमेशा इस वाले को चूज़ करें, ये तो बिल्कुल ख़राब कर देती हैं तस्वीरें. ठीक है, ये वाला आपने यूज़ करना है. ये दो यूज़ कर सकते हैं, ये दो तस्वीर ख़राब नहीं करती, लेकिन ये वाइड एरिया ले रहा है और ये खाली एक जो PNG स्पेसिफिक है वो लेगा. तो ये देख लें, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर जो आती है, नॉट 6, 5th नंबर वाली, आपने हमेशा उसको क्लिक करना है. मैंने हमेशा ये यूज़ किया. अच्छा, अब देखें ज़रा इसका मसला, सबसे बड़ा मसला, बैकग्राउंड तो रिमूव है, वही वाइट आ रहा है. ठीक है, लेकिन इसका मसला देखें, बिल्कुल ब्लर है ये. अगर मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दूँ, ये देखें इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जो मुझे चाहिए. ठीक है, और ना कभी क्लाइंट, अगर आप इसको HD में बनाएंगे कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगी ये. और चलें सपोज़ इस अच्छी रेजोल्यूशन में आपको मिल भी जाती है, इसका एक मसला है. आप यहाँ से पिन करेंगे आप, अच्छा ये तो आपको पता होगा कि आपने एंगल कैसे एडजस्ट करना है. हमेशा इस पर क्लिक करके इस, हमेशा इसको इसको पोजीशन पे मार्क कर दें हमेशा. इससे ये होगा, मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है. यानी कि आप जिस तरह देख रहे हैं इस इमेज को, जैसे आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे ये, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही ये एंड वीडियो पे भी नज़र आएगी. ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या. अगर इसकी मैं ड्रॉ टाइम 2 सेकंड कर लेता हूँ, ठीक है, इसको प्ले करते हैं. In the era of digital marketing, emails are one of the... Okay, and maybe zoom... In the era of digital marketing, emails are... Nahin, ho kya raha. In the era of digital marketing, emails are one of... Matlab scan ho rahi hai, theek hai? Aur kabhi bhi aap whiteboard animation mein nahi chahenge. Digital marketing, emails are... Achha, mazay ki baat. Agar aap yahan pe haath use karte to kya hota? ये फिर भी बेहतर लग रही है. इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये फिर भी बेहतर लग रही है. लेकिन अगर आप हाथ यूज़ करते हैं यहाँ पे, सपोज़ कि आपने ये हाथ यूज़ किया, ठीक है, मैं यहाँ पे हमेशा हाथ ना यूज़ करें. ठीक है, हमेशा यहाँ पे नल करें. अगर आप इसके लिए हाथ चाहिए भी, इस इमेज के लिए हाथ चाहिए भी, चलें अजान हो रही है, अजान के बाद आपसे मिलते हैं. मैं पॉज करूँ वीडियो. अच्छा जी,
तो नमाज के बाद दोबारा आपसे शुरू कर दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था? मैं यहाँ पे था कि कैसे कि अभी ये देखें ना, अब मैंने हाथ, अगर इस इमेज को सपोज़ हाथ से ड्रा करना चाहते हैं, चलो सपोज़ अगर करना भी चाहते हैं, तो आप हैंड पे जाएं, प्रॉपर्टीज़ ऑन करें, यहाँ पे हैंड का ऑप्शन है, आप हैंड पे क्लिक करें और यहाँ पे जो भी आता आपको पसंद आए, सपोज़ अगर आप ड्रा करना चाहते हैं इस वाले हाथ से, ठीक है, तो अब इसको अगर प्ले करें दोबारा से, सॉरी, इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, यकीन माने कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, टोटली अनप्रोफेशनल, कभी भी हाथ को हर जगह इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे डिलीट करेंगे, हाथ खत्म। अब देखें फिर भी बेहतर है, फिर भी बेहतर है, डिजिटल मार्केटिंग होके स्कैन हो रही है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बेहतर SVG है। अब SVG क्या है उस पर चलते हैं, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब SVG क्या है, अब मैं इसी में SVG डालता हूँ। अब मुझे तो इसकी लोकल लाइब्रेरी से नहीं मिली, मैंने एक डाउनलोड की है यहाँ से की थी, आप भी यहाँ से कर लें बेशक, और यहाँ पे फ्री होती हैं, आउट कोई लाइसेंस भी नहीं होता, और अगर आप फ्री पे क्लिक करेंगे फिर नहीं होगा। यहाँ पे आप लिखें डिजिटल मार्केटिंग, खुद ही बता देगा लाइक दिस, आई एम सॉरी फॉर दैट, मार्केटिंग, इस वेबसाइट का नाम फ्री पिक है। यहाँ पर एक तो ये तस्वीर मुझे बड़ी पसंद आई थी शुरू में, ये वाली, इसको मैंने क्या किया था, ये वेक्टर फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ इलस्ट्रेटर पे, ओपन कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर, मैंने कहाँ से, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने किस जगह काफ़ी स्क्रॉल किया था, पर मुझे ये इस तरह की एक इमेज मिल गई थी। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको अपनी तरीके से कैसे बनाना है इमेज को, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब सपोज़ मैंने एक डाउनलोड कर लिया इमेज SVG में, ठीक है, आप लिखना है वेक्टर फाइल या SVG मुझे चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ जाते हैं मेरे पास, देखें हर जगह SVGs पड़ी हैं, ये भी SVG है। अच्छा, SVG होता क्या है, SVG का मतलब क्या है, SVG का मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, यानी कि ये वेक्टर फाइल है, और अगर मैं, और AI की फाइल और वेक्टर फाइल में SVG में फ़र्क है, और मैं आपको एक लिंक भी दूंगा, वहाँ पे कंप्लीट बताया गया कि आप कैसे AI की फाइल को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर पढ़िएगा। मेरे ख्याल से उसके बाद से मैंने एक अच्छी वीडियो बनाना शुरू किया, तो इलस्ट्रेटर ओपन हो गया तो मैं आपको दिखा दूंगी कैसे आप SVG को कस्टम, ये देखें अगर आप देखें तो मैंने जितनी भी हैं खुद डिज़ाइन की हैं यहाँ पर बकाया ना, जिस तरह की मुझे इमेज चाहिए थी, आप जैसे ये देख सकते हैं एक बंदे की, ये मैंने खुद डिज़ाइन की। अच्छा, आई सपोज़ यहाँ से मैं ओपन करता हूँ इमेजेस SVGs, ठीक है, अब ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब मैं बताता हूँ स्केल वेक्टर फाइल होती क्या है, आपको पता होगा अगर आपने लोगों को भी बनाया है तो आपको पता होगा कि वेक्टर फाइल क्या होती है। अभी सारी वेक्टर है, यानी कि इसको मैं जितना मर्जी छोटा या बड़ा करूँ ये पिक्सल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और एक और मज़े की चीज़ है, इसकी लाइंस हैं, ये देखिए लाइंस हैं। अब SVG में डाटा पूरा होता है कि जब आप वीडियो स्क्राइब में डालते हैं SVG को, तो वो बता देता है, एक किस्म की नॉलेज दे देता है कि भाई इसकी यहाँ यहाँ से स्ट्रोक्स हैं, यहाँ यहाँ से। तो होता क्या है, जब आप पेन से इसको ड्रॉ करते हैं तो उस पेन को पता होता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे पेन यूज़ करना है, वो लाइक स्क्रैपिंग नहीं शुरू कर देता, वो उसी के ऊपर से फेरता है पेन, ठीक है। हमेशा जितना हो सके अपनी फाइल वेक्टर आपने SVG यूज़ करनी, जितना हो सके आपने SVG यूज़ करनी है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको सेव कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब सपोज़ अगर आपने ज़्यादातर यहाँ पे जो फाइल्स होती हैं, और मैं आपको दिखाता भी हूँ, लाइक मैंने जो डाउनलोड की थी ये वाली जो फाइल है, ये मार्केटिंग की जो फाइल है, ये ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अब मैंने जो डाउनलोड की थी वो AI फाइल थी, और आपको ज़्यादातर AI फाइल ही मिलेंगी इंटरनेट से। आपने करना क्या है, आपने जाना है AI फाइल, वो जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी मेरे ख्याल से वो डिज़ाइंस में पड़ी हुई है, यहाँ पर ये फाइल थी मार्केटिंग, ठीक है, मैंने डाउनलोड की थी मार्केटिंग फाइल, यहीं से की थी मैंने पिक्सल, यहाँ पे शायद लिखा भी हो कि मैंने कहाँ से की है, आई डोंट नो। अच्छा, जो भी है, तो ये आपको दो फाइल देते हैं और दोनों ये इलस्ट्रेटर पे चलती हैं, ये VideoScribe में नहीं चलती,
ये आपको हमेशा तंग करेंगी, लेकिन आपको मैं चीज़ सिखा रहा हूँ कैसे आपने इसको SVG में कन्वर्ट करना है, जो कि VideoScribe चलाएगा। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी एडिस्ट्रेटर में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फॉन्ट वगैरह नहीं मिल रहा इसको, तो नो टेंशन। अच्छा, इसको आपने, अच्छा मैंने क्या किया अभी इसको बड़ा करने के लिए, कंट्रोल ज़ीरो मैंने दबाया, कंट्रोल और ज़ीरो दोनों एक साथ दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये ना बैकग्राउंड चाहिए, तो ईज़िली मैं यहाँ से इसको हाइड कर दूँगा। ठीक है, अब देखें मसला क्या है यहाँ पर। अब क्योंकि ये वाइट था, ये जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड रखूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सिंपली उस पर क्लिक करके डिलीट कर दें जो जो मुझे चाहिए। मैं खाली वो सपोज़ के मुझे सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए ना, मुझे बैकग्राउंड चाहिए, मैं बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे बस ये चाहिए। ठीक है, अब मैंने बैकग्राउंड, लेकिन ये अभी भी मैं सेव करूंगा, अगर इसको हाइड करें, ऊपर देखें साइड पे लेयर्स के पैनल में जाएं, यहाँ से अगर आपको नहीं मिल रहा प्रॉपर्टीज़ तो लेयर्स के पैनल में जाएं, तो वहाँ से इनको हाइड कर दें, सिर्फ जो चाहिए उसको शो करें, सिंपल। अब इसको क्या करें, आप इसको फाइल्स में जाएं, इसको आपने जाना है सेव एज में। अच्छा, सेव एज में क्लिक करना है, सेव पे नहीं करना, जहाँ भी सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लें। मैं इसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, तो उस फाइल का नाम, बल्कि मैंने फोल्डर बनाया था कि आपका यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम आप रखेंगे SVG। ओके, और अच्छा अब देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये AI फाइल सेव करेगा, आपने कभी भी चलेगी नहीं, कभी भी नहीं चलेगी। आपने क्या करना है, SVG में क्लिक करना है, नो के कंप्रेस वाली में सिर्फ SVG क्लिक करेंगे और ये क्लिक करना है आपने। ठीक है, यूज़ आर्ट बोर्ड, उसमें ये होगा कि जितना आर्ट बोर्ड है वो ले आएगा, वो आपको नहीं चाहिए, फिर आप सेव कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये लिंक भी दे दूंगा, उसमें भी ये समझाया गया है, और एक और चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने यहाँ पर SVG सेलेक्ट करना है, ना कि कन्वर्ट टू आउटलाइन SVG, यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है होने दें। उसके बाद आपने यहाँ पर हमेशा यहाँ पर या तो लिंक क्लिक होता है, या तो आपने एम्बेडेड क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने आकर प्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट्स, ये पहले से इसीलिए सिलेक्टेड हैं कि मैंने पहले ये काम किया हुआ है, इसलिए इलस्ट्रेटर को पता है कि इसको इसकी सेटिंग्स क्या हैं, उसने पहले मेरे लिए कर दी। उसके बाद आपने इसको टिक करना है, रिस्पॉन्सिव को आपने टिक नहीं करना। ओके, सिंपली ओके कर दें आप, और आपकी फाइल रेडी है। अगर मैं इसको VideoScribe में लाऊँ, तो अब देखें उसका एक मसला था कि उसमें जो टेक्स्ट था वो पीछे साइडों में चीज़ें थी वो वाइट कलर की, तो मैं सपोज अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूँ लाइक दिस, तो ये असल में वो ब्लैक बोर्ड वाला लुक देता है, बड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसमें। अगर आप इसको ये जो जो भी है ये नो विन विगनेट जो भी है, इसको आप अगर इसको सॉफ्ट करते हैं तो और बड़ा खूबसूरत सा वाइट ब्लैक बोर्ड का लुक आता है, जो मुझे बहुत पसंद है। तो आप इसको भी, अगर यूज़र कह रहा है कि आप ब्लैक बोर्ड एनिमेशन बनाएं, तो आप इस पर चौक के आप वाइट टेक्स्ट लिखें, बड़ा खूबसूरत लगता है। इस पर आप लाएँ इमेज को जो कि हमने सेव की थी SVG में, here we go। अब देखें मसला, एक और चीज़ यहाँ पर देखें। अब जब आप ये ब्लैक लाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा मसला भी है जो कि मुझे हमेशा तंग किया यहाँ पे वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाने में। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूँ, देखें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप टेक्स्ट लाते हैं, सपोज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, अगर आप देखें ब्लैक टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बिल्कुल नॉर्मल। अगर इसी को मैं वाइट करूँगा तो देखें क्या होता है। अब पता नहीं ये बग है या क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता। ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये अभी भी समझ रहा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, और ये देखें दिख ही नहीं रहा, जो कि बड़ी अनोइंग चीज़ है, और इससे मैं खुद बड़ा तंग हूँ। इसी वजह से मैं बहुत दफ़ा यूज़ नहीं कर पाता वाइट बैकग्राउंड वगैरह को ना, तो इसीलिए बहुत दफ़ा मैंने इसलिए मैं ज़्यादातर कौन सा कलर यूज़ किया था मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से ग्रे था या, ये देखें ये फिर भी इस तरह अजीब सा दिखता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी है, यहाँ पर आप देख लें, इसीलिए मैं ज़्यादातर वाइट यूज़ करता हूँ। अब पता नहीं बग है ये, इसको सॉफ्ट से ज़्यादा ज़ीरो कर दें, ये बग है या क्या है, आई डोंट नो,
लेकिन ये ऐसा ही है, तो आप काइंडली वीडियोस में वाइट में बनाएं, आपके लिए बेहतर होगा और वीडियो ज़्यादा डिसेंट भी लगती है, नीट भी लगती है। अच्छा अच्छा आपने करना क्या, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से चाह रहा था, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। मैं आपको बस समझाना चाह रहा था कि अच्छा मैंने आपको वेक्टर फाइल नहीं अपलोड करके दिखाई, एक जस्ट ए मिनट मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ फ़र्क क्या है वेक्टर फाइल में और उसमें SVG और PNG में। PNG में दिखाया था आपको, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगा, ऐसे लगता है स्कैन हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ SVG जो मैंने डाउनलोड की थी। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, ये मैंने सेव करके रखी थी और ये भी कम, ये मैंने उसी तरह इलस्ट्रेटर में बनाई थी। अब देखें ज़रा भी इमेज फटी नहीं है, बिल्कुल साफ विजुअल, बिल्कुल साफ दिखने में। जब आप इसको अभी भी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी जितनी रेंडर के वक्त होगी, क्योंकि इसका फुल रेंडरिंग नहीं करता, ठीक है। ये अपनी फुल रेंडरिंग नहीं करता क्योंकि क्योंकि अगर ये करेगा फुल HD में तो ये बहुत मसला क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फिर वो आपको PC बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ बार बार लिखाएगा नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो ये फुल अच्छी, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी दिख रही है ये, लेकिन जब आप इसको रेंडर करेंगे तो और भी अच्छी दिखेगी ये, ठीक है। अच्छा आपने क्या करना है इसको, अब ये मैंने किया ना, अब इसका देखिएगा मज़े की चीज़, इसको मैंने यूँ रखा, ठीक है। इसको मैं अगर एक मिनट में आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। अच्छा जी, तो अब देखिएगा इसमें फ़र्क कितना है PNG और इसमें। अब मैं इसको ज़रा प्ले करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कितनी खूबसूरत से वो उसकी स्ट्रोक्स डिज़ाइन कर रहा है, एक एक चीज़ खुद डिज़ाइन, ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बन रही है, ना कि ऐसे ना कि स्कैन हो रही है ऐसे आस्ता आस्ता जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। ये बहुत खूबसूरत लगती है और इसमें आप अगर हाथ यूज़ करें वो भी खूबसूरत लगेगा। अगर मैं इस गाइडलाइन को सेट करूँ, अगर मैं इसमें हाथ भी लाऊं तो ये भी खूबसूरत लगेगा, इसीलिए मैं हमेशा SVG को यूज़ करता हूँ। अब देखिएगा इसको थोड़ा ड्रॉ टाइम में बढ़ा रहा हूँ, अब देखिएगा जब ये ड्रॉ करेगा इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी नेचुरल लग रहा है, देखिए वो ड्रॉ कर रहा है, बेस्ट वे टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स ना कि स्कैन कर रहा है पागलों की तरह, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी आपको देखेंगे, अगर आपको देखें तो काफ़ी तेज कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है ये, ठीक है। इसको कम से कम मेरे ख्याल से आप 8 सेकंड दें। In the era of digital marketing, emails are one of the best ways to market your products or services. लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हाथ ना यूज़ करें, हाथ तब यूज़ करें जब आपने कोई टेक्स्ट लिखना है या कोई चीज़ आपने मैथमेटिक्स समझानी है या कुछ इस तरह की, तब भी बहुत 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 मज़ा कराता है हाथ, तो उस वक्त काफ़ी नेचुरल भी लगता है। देखें आप एक चीज़ समझा रहे हैं, आप एक किसी को समझा रहे हैं, तो नेचुरली इंसान के ये कि वाइट बोर्ड पे क्या है, एक टीचर का हाथ है तो वो आपको समझा रहा है, वो बहुत नेचुरल लगता है। लेकिन अगर आप एक ऐड की वीडियो बना रहे हैं, एक किसी चीज़ को ऐड है सपोज, जिस तरह की मैंने अभी आपको दिखाया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे मैंने बनाया ऐड, तो उस ऐड में क्या है कि उस ऐड में आपको नहीं चाहिए हाथ बिल्कुल भी, ठीक है। वो बहुत खूबसूरत, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, प्ले करके दिखाता हूँ ये कितनी खूबसूरत लगती है, बिल्कुल नेचुरल लगती है 2D एनिमेशन। और मज़े की बात है कि 2D एनिमेशन के अगर आप जैसे ये वीडियो मैंने बनाई है, इसके बहुत बहुत वैल्यू है उससे, ठीक है। अगर आप ऐड के लिए बना रहे हैं, ऐड के लिए बहुत अच्छा है। हाथों का इस्तेमाल तब करना है जब, अगेन मैं आपको बड़ी डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहा हूँ, यूज़र को हमेशा ये चीज़ अच्छी लगेगी कि हमेशा मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर एक्सप्लेनरी वीडियो है तो आपने जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, कुछ भी है, उसमें आप हाथ यूज़ करें। लेकिन अगर वो ऐड है तो नहीं, जितना हो सके नहीं, अगर यूज़र ने कहा है तब करें, कस्टमर ने कहा है तब करें, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई करना सबसे बड़ी आपकी नीड है। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कस्टमर कहता है नहीं मुझे हाथ चाहिए, तो डेफिनेटली आप हाथ डालें। अगर वो कहता है जैसे आपको अच्छा लगे, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसमें अगर आपको ऑडियो आ रहा होगा तो चलें। In the era of digital marketing, digital marketing are one of the best ways to market your products or services directly to the client. But the problem is, from the bunch of directly the emails in the era of digital marketing. अब जो digital marketing इसने लिखा है, ये मैंने मैं आपको बताऊंगा, मैंने अच्छा ये जो टेक्स है, मज़े की चीज़ है, ये जो टेक्स मैंने डाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। कभी भी अब इसका जो टेक्स्ट था, मैं दिखाता हूँ आप जो बेसिक है, ये बेसिक लिखा हुआ है, ये मत यूज़ करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये ना यूज़ करें,
ये इतने लोगों ने यूज़ किया हुआ है, इतने लोगों ने यूज़ किया हुआ है, और मुझे खुद ही बहुत बुरा लगता है टेक्स्ट। ठीक, तो आप करें ये कि आप फॉन्ट्स में जाएं, ठीक है, बेतहाशा फॉन्ट हैं जो मुझे मेरे पसंदीदा हैं, वो देख सकते हैं आपने, ब्लू मैंने किए हैं, बहुत तहाशा। आपको जो पसंद आए यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने आपने डाउनलोड किए हैं। अगर आपको कोई फॉन्ट नहीं मिल रहा तो आप क्या करें, आपको जो फॉन्ट नहीं मिल रहा, सिंपल सी बात है, टाइप करें गूगल पे, गूगल उस फॉन्ट का नाम, ठीक है, सपोज़ जो मतलब आप लिखें कि वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए, आप गूगल पे टाइप करें फॉन्ट्स फॉर फ्री फॉन्ट्स फॉर वाइट बोर्ड एनिमेशन, ढेर आ जाएंगे, उनको इंस्टॉल करें, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट में जाएं, उसका नाम सर्च करें, और उसके बाद उसको ऐड कर लें, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे वो ऑप्शन जो जो आप ऐड करेंगे, वो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, वो आप आ जाए। मैंने इसमें चॉक बोर्ड का डाला हुआ है, और आप देख सकते हो कि कैंसिल कर दो, ये देखिए ये चॉक बोर्ड है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है उस बेसिक वाले से। अगर मैं आपको बेसिक करके दिखाऊं, मैं करना नहीं चाहता, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ कि बेसिक कितना ऑफुल लगता है यहाँ पर। अगर ये देखें, ये देखें, बेहतर है, मैं मानता हूँ बेहतर है, यहाँ पर बेहतर लग रहा है, लेकिन उससे बेहतर नहीं है, आई एम सॉरी, उससे बेहतर नहीं है ये। अगर ये यहाँ चॉक बोर्ड, ठीक है, ये उससे बेहतर नहीं है, उससे बहुत बेहतर लग रहा है ये। और मैं इसलिए बेसिक के खिलाफ हूँ, बेशक वो प्यारा लगेगा कहीं जगह, हर जगह भी कहीं वो प्यारा लगता है, लेकिन बेसिक में कभी भी यूज़ नहीं करता, अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि सब वो लोग वो यूज़ करते हैं। आपने डिफरेंट होना है, अगर आपने आप चाहते हैं आपको ऑर्डर ज़्यादा मिले, आपने डिफरेंट एनिमेशन बनानी है दूसरों से, आपने डिफरेंट तरीके से वीडियो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपने हाथ यूज़ नहीं करना, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपने 2D टाइप एनिमेशन बनानी है, मेरा मतलब ये नहीं होता। अब देखें, मुझे ऑर्डर क्यों मिल रहा है, अगर मुझे मिल भी रहे हैं ऑर्डर, अगर मैं मुझे कस्टमर ज़्यादा पसंद कर रहा है, आपने कैसे आप कैसे कैसे आप ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं, सिंपल, बी डिफरेंट, आप डिफरेंट बने। और कैसे आप डिफरेंट बन सकते हैं, ऐसी एनिमेशन बना के जो लोगों से डिफरेंट हो। आप देखें, आप यूट्यूब पर सर्च करें एनिमेशन ऐसी जो कि 2D हों, और अब इसमें आप देखें क्या हो रहा है, मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी। इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग emails are one of the best way। अब मैंने कोई ये जो फाइल है, ये SVG है जो मैंने डाउनलोड की थी, और फाइल डाउनलोड की थी, और इसके बाद मैंने कोई लाइब्रेरी की बहुत कम यूज़ करता हूँ, अब ये मैंने लाइब्रेरी का यूज़ किया है। ये जो ताज है, ये मैंने लाइब्रेरी इसकी अपनी लाइब्रेरी की में से उठाया है। लेकिन अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे ख्याल से क्राउन है, क्राउन, अच्छा मैं आपको उसकी स्क्रिप्ट की तरफ भी लेके चलूँगा, अगर आप परेशान हो रहे हैं कि स्क्रिप्ट के साथ, मैं आपको स्क्रिप्ट के साथ समझाऊंगा, लेकिन बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्क्रिप्ट हो जाएगा, अगर आपने बेसिक समझ आ गई कि आपने कैसे हैंडल करना है, वो तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। था ओके, तो ये देखें क्राउन है, अभी जो क्राउन है अगर आप इसको देखें, मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा, अगर आप ये वाला क्राउन मैंने यूज़ किया हुआ है, और वहाँ पर क्राउन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ी एडिटिंग की है मैंने, और यहाँ पर इसके जो डॉट्स हैं वो ग्रीन थे, मुझे ग्रीन डॉट्स नहीं चाहिए थे जो क्राउन के ऊपर लगे हुए हैं, ग्रीन डॉट्स है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स था ये, मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए था, सिंपल सा चाहिए था। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने किया लेफ्ट क्लिक, वो फॉन्ट किया, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट टू SVG। ओके, जब आप इस क्लिक करते हैं तो एक फ़ाइल आ जाती है आपके पास, आपको ये बोलता है किस जगह स्टोर करनी है, उस जगह से आपसे फ़ाइल उठाई, आपने वो फ़ाइल किधर ओपन की, इलस्ट्रेटर में, SVG फाइल, आई एम सॉरी, रजिस्टर फाइल आपने SVG में ओपन की, और आप अपनी मर्ज़ी से उसमें जो चीज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको अगर दिखा सकूँ, अगर यहाँ पे ओपन करके, मैंने शायद डिलीट कर दिए, सिंपल सी बात है कि आपने वो वीडियो लेनी है, वो चीज़ लेनी है, उसको आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक करना है, उसको कन्वर्ट टू SVG करना है, और वो वीडियो वो तस्वीर आपके पास आ जाएगी, और उस वेक्टर में से आपने जो चेंजिंग करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से यहीं पे दिखा दूँ, सपोज़ अगर मैंने ये जो पिंक कलर का डब्बा है, जो सर्कल है, इसको सपोज़ मैंने अगर SVG का फ़ायदा ये है, अब मैं अगर इसको सॉफ्ट, अब देखें मैंने इसको ब्लू कर दिया, ये ग्रीन थी, ठीक है, इसको मैंने ब्लू कर दिया क्योंकि मैच करना चाहता था मैं ये जो ईमेल का जो बॉक्स है इसके कलर के साथ थोड़ा बहुत मैं मैच करना चाहता था, इसलिए मैंने ये किया। सिंपल सी बात है, आपने SVG को उठाया, इलस्ट्रेटर में ओपन किया, और यहाँ पे आपने कलर इसको सेलेक्ट करके, कोई भी कलर आप, सपोज़ मैं यहाँ पे ग्रीन रखना चाहता हूँ, सपोज़ मैंने ग्रीन रखना, ये देखिए ग्रीन हो जाएगा। आप इसी तरह जितने भी डब्बे हैं अपनी तरफ से कस्टम तैयार कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। सपोज़ अगर एक कस्टमर आया है, उसका लोगो जो है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो कस्टमर कहता है कि मुझे भाई ये दो कलर कॉम्बिनेशन है,
ठीक है, ग्रीन और वाइट या ब्लैक, तो मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ वाइट बोर्ड एनिमेशन बना के दो। तो आप क्या कर सकते हैं, SVG लिए, उसको SVG को आप डाउनलोड करें, उसके बाद इलस्ट्रेटर में ओपन करें, इसी तरह कलर चेंज कर देना जिस तरह ये फेसबुक है, ठीक है। इसको जाएंगे आप, सिंपल सी बात है, वही ग्रीन कलर आप इसमें रख सकते हैं, सिंपल स्टाइल। इस तरह आप बिल्कुल कस्टम वाइड बॉडी एनिमेशन बना सकते हैं और दूसरों से डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरों से डिफरेंट होंगे तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, अगर डिफरेंट नहीं होंगे तो बहुत से लोग बना रहे हैं वीडियो, बहुत से लोग बना रहे हैं, कोई भी आपके पास नहीं आएगा, फिर इस तरह आपने डिफरेंट होना है दूसरों से। ओके, अब ये आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको स्क्रिप्ट की तरफ लेके चलूँगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और बाय द वे ये मैंने उसी लाइब्रेरी से उठाया डायरेक्टली टू द क्लाइंट, और द प्रॉम्प्टर है टू द ईमेल्स और वन ऑफ द इज डायरेक्टली टू द क्लाइंट। ये जो करेक्टर है ये मैंने उठाया था। अच्छा, अगर मैं चलें सपोज मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, अब जो करेक्टर है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये वेक्टर फाइल है, वही SVG फाइल है, तभी इतनी शार्प दिख रही है। अगर मैं इसको मेरा सेकंड, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसकी लाइब्रेरी में कोई करेक्टर नहीं है, यकीन माने बिल्कुल। अब ये करेक्टर था जो मैंने एज अ कस्टमर डालना था, सपोजिवली अगर मैंने इस करेक्टर को डालना है, इट्स, अब मुझे ये बताओ अब इसका और इसका कोई कम्बिनेशन है, ये बिल्कुल भी ऑफुल है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये करेक्टर मॉडर्न लगता है, यूनिक लगता है और अपीलिंग टू आई लगता है, ठीक है, कि जैसे न्यू मॉडर्न लुक देना चाह रहे हैं। तो मैंने इसीलिए इसको बाहर से डाउनलोड किया था, मैं इसको साइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वही मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, फ्री पिक्स के नाम से ये है, ठीक है। आप इसमें जाएं, आप यहाँ पे लिखें सेल्समैन, क्योंकि मुझे सेल्समैन की तस्वीर चाहिए थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ ही पे होगा। अच्छा, ये भी तस्वीर मैंने डाउनलोड की थी यहाँ से, यहाँ से आप डाउनलोड करें, ठीक है। और फिर उसके बाद इलस्ट्रेटर पे जाएं, इसको साफ कर दें, वो तो आप कर ही लेते होंगे। ये देखें, ये एक सेल्समैन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ही एक था, आई डोंट नो किधर गया, ये मुझे बहुत पसंद आया था ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड किया, इलस्ट्रेटर में ओपन किया, और जो इसका बैकग्राउंड है वो रिमूव किया, ये वाइट वाला ये रिमूव किया, इंचेस रिमूव किया, खाली इसको उठाया, इसको सेव एज किया मैंने SVG, जिसमें मैंने आपको दिखाया कैसे आपने SVG को सेव करना है। मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, उसमें बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, ज़रूर पढ़िएगा। और इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। The problem is, from the bunch of emails that are out there, how you are going to differentiate which email is fake and which is not? और ये फ़ॉन्ट चेक करें, मैंने कैसा यूज़ किया, मैंने कोई फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किया उसका, बेसिक बिल्कुल ऑफ़ लगता है, ईमेल एड्रेसेस बार 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 बार। इन द एंड यू गेट टू नो दैट हाफ ऑफ द ईमेल एड्रेसेस वर फेक और नॉट इवन एक्टिव, ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। और ऐसे आप थोड़ा यूनिक रहे हैं, देखें मैंने कैसे, सॉरी यहाँ पर अगर मैं दोबारा, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम in the era of the business, the problem is how your target is to millions of emails to million different email addresses, waste of time and money. अब देखें किया क्या मैंने यहाँ पर, मैंने किया जो चीज आपने कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, जो यूजर को, व्यूअर को दिखाना चाहते हैं कि फोकस करिए आप इसमें, मैंने क्या फोकस करवाना था, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अब मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, मैं फिर आपको बताऊँ, मैंने किसी को नहीं बताता ये, क्योंकि मेरे लगता है कि सीक्रेट, ये फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये उसी तरह के फॉन्ट हैं। आपने सर्च करना है फॉन्ट्स फॉर बेस्ट फॉन्ट्स फॉर एनिमेशन, वाइट बोर्ड एनिमेशन, ठीक है। वाइट बोर्ड के लिए आपको बहुत से मिल जाएंगे, ये मेरे ख्याल से लूना है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ शायद, आप बहुत से यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी कस्टमर को ये पसंद नहीं आता, एक बार नहीं आया था तो आप, उसने कहा था मुझे सिंपल टेक्स्ट चाहिए जो आराम से समझ आ जाए, आप इसको समझ लें, लेकिन ये इसमें बहुत परफेक्टली एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ से लेके चल सकते हैं, मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब देखें मैंने इसमें कैसी एनिमेशन डाली, अगर वो टाइम एंड मनी, देखें कैसे कुछ। सो व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इट्स सिंपल, जस्ट ट्राई आवर ईमेल वेरीफायर ऐप, इट्स प्रीटी सिंपल टू यूज,
Just write. अब यहाँ पे मैंने JPEG फाइल यूज की क्योंकि मुझे यूज करनी थी. After some time, सिर्फ एक ये फाइल है JPEG के बाद सब वेक्टर हैं. It will give you a complete stat about your emails. And also separates the valid emails from the fake ones. So what are you waiting for? Try it now. Simple. इतनी छोटी सी. अब मैं आपको बताऊंगा मैं स्क्रिप्ट को साथ लेके कैसे चला. चलिए स्क्रिप्ट ओपन करते हैं. In the era of digital marketing, emails are one of the best way. अच्छा, in the era of digital marketing, अब मैंने इस वर्ड को पकड़ा, ठीक है? आपने एक लाइन पकड़ी, आपने हर फ्रेम के लिए स्टेटमेंट्स पहले से ही पकड़ लेनी है. ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, मैं भी बता रहा हूँ. सपोज़ आप चाहते हैं कि एक ही फ्रेम में ये सब आ जाए, आप तब भी कर सकते हैं ये. लेकिन क्योंकि मेरी ये जो थी, अगर मैं शुरू में जाऊँ, इन द एरा ऑफ, क्योंकि ये फाइल इतनी बड़ी थी कि और स्पेस नहीं थी, रूम नहीं था मेरे पास, तो मैंने कहा कि ठीक है अब एक पे ही मैं यूज़ करूँगा. तो मैंने इस लाइन को पकड़ा, इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग की मैंने इंटरनेट पे लिखा SVG या AI फाइल, तो उसको मैंने डाला यहाँ पर. और जब उसने डिजिटल मार्केटिंग बोला, ठीक है आप देख लो यहाँ पर, जब उसने डिजिटल मार्केटिंग बोला उस पर मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया. एक मिनट, ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्स्ट लिख दिया. अब आपने मैचिंग कैसे करनी है, एक ये सवाल आता है बड़ा, मैचिंग करनी कैसे है आपने, ठीक है? आपने क्या करना है, ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हैं. एक होता है एनिमेट, एक होता है पॉज, और एक होता है ट्रांजिशन. ट्रांजिशन बेसिकली आप समझ लें, ये जो टोटल टाइम मिलाकर आप देख सकते हैं नीचे इसके लिखा हुआ है 2 सेकंड, यानी टोटल जो लेगा ये 2 सेकंड लेगा, ये यानी अपना पूरा जो वक्त लेगा ये 2 सेकंड का लेगा. अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रांजिशन होती है ये थोड़ा कंफ्यूज करती है हमें, पॉज और ट्रांजिशन. ट्रांजिशन ये है, कभी आपने देखा हो, कभी आपने व्हाइटबोर्ड एनिमेशन अगर बनाई भी है तो ये फ्रेम में जो एनिमेशन आती है. अब मैंने जो पूरी वीडियो आपको दिखाई इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं था, क्योंकि मैं इसमें एक सटल इफेक्ट लाना चाहता था, कि 2D एनिमेशन वीडियो का इफेक्ट लाना चाहता था. मैं नहीं लाना चाहता था कि क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांजिशन ऐड करते हैं, फिर वही बात, आपने यूनिक होना है, तो मैंने इसलिए इसमें ट्रांजिशन नहीं लाई, ठीक है? अब हो क्या रहा है इसमें कि इसमें क्या कहते हैं, मैंने ट्रांजिशन 0 की हुई है, ठीक है? अब पॉज क्या है, पॉज का मतलब ये है, ये जो एनिमेट जो 1 सेकंड में ये बनेगा, यानी ये जो हो रहा है ये बन गया, ये 1 सेकंड लिया इसने बनने में. उसके बाद जो पॉज है ये 1 सेकंड तक, यानी मैंने लिखा हुआ 1 सेकंड, ये 1 सेकंड तक रुकेगा स्क्रीन पे. क्यों रुकेगा, जाहिर सी बात है मैंने किसी को दिखाना भी है. अब ऐसा हो कि लिखने के बाद फ़ौरन ही गायब हो जाए, फ़ायदा तो नहीं है. जैसे लिखे थोड़ी देर खड़ा हो ताकि हम देख सकें क्या वर्ड क्या है. जैसे आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ी देर In रुका, the era of digital marketing, 1 सेकंड रुका, emails are one of the best फ्रेम चेंज किया. आपने भी ऐसे ही करना है. अब मैंने अगर ट्रांजिशन इसमें डालता तो आप देखते कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ऐसे मूव करता है ये, जो कि मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें मैंने एनिमेशन डाली, और इसका अब एनिमेशन आपने कैसे डालनी है. अब सपोज़ आपका टेक्स्ट, आपका अपने टेक्स्ट कैसे मैच करना है इसके साथ, बहुत ही इजी तरीका है इसका. पता नहीं लोग क्यों परेशान होते हैं इसमें कि भाई मुश्किल है मुश्किल है. पहले आपने क्या करना है, जैसे ही वर्ड स्टार्ट हो, जहाँ पर वर्ड स्टार्ट हो, आपने इस उससे पीछे वाली जब आपने जो वर्ड है जैसे इसमें बोल रहा है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? अगर मैं इसको प्ले इन द एरा ऑफ, अब देखें, अब उस वर्ड से डिजिटल मार्केटिंग के वर्ड से पीछे मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, एक SVG लगाई हुई है ये. अब मैं ये चाहता हूँ कि ये उस वर्ड से पहले ख़त्म हो, सिंपल सी बात है. अब मैंने उस दुरानी से कम रखनी है, जैसे वो बोले तो उससे कम इसका टाइम रखना, ये टोटल टाइम जो है उससे कम होना चाहिए. जैसे वो बोलना स्टार्ट हो तो ये ख़त्म हो जानी चाहिए, कि जब वो बोल रहा है, जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग बोले तो ये ख़त्म हो जाए, ठीक है? और ये स्टार्ट हो, ठीक है? और ये स्टार्ट, और अगली वीडियो, अच्छा ये जब ये बन जाएगी 2 सेकंड में ये पॉज होगी, ठीक है? अब देखिए मैं देखिए, मैंने इसमें पॉज 0 किया हुआ है, ट्रांजिशन भी 0 की हुई है, ठीक है? अब होगा क्या, हमेशा ट्रांजिशन को 0 रखा करें एंटिल आपको बहुत चाहिए ज़रूरत हो. ट्रांजिशन बहुत बंदा फंसता है. ट्रांजिशन का काम यही है कि जब ये तब ज़रूरत पड़ती है जब फ्रेम टू फ्रेम पूरा फ्रेम आप चेंज करते हैं, तब ये इफेक्ट आपको दिखता है, मूविंग का पार्ट जो होता है. अब पॉज में क्या हो रहा है, अच्छा अब मैं ज़रा अगर टाइम देख लूँ कितना हो गया है, 54 मिनट्स, वाह. अच्छा जी, कोशिश करूँगा कि एक आवर के अंदर ख़त्म करूँ इसको, क्योंकि मैं इसमें पूरी डेप्थ में जाना चाहता था, इसलिए मुझे टाइम लग गया, आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके, अब इसमें वो कह रहा है कि आपने 1 सेकंड इसको टाइम दिया है कि एनिमेट हो, उसके बाद 0 पॉज है, यानी कि जैसी ये बने
जीरो पॉज, अगली स्टार्ट हो जाए फ़ौरन। अब क्योंकि मैंने टेक्स्ट मैच करना था तो मैंने ये काम किया, अगर मैं इसको पॉज देता तो टेक्स्ट मैच ना करता, ठीक है। अब जैसे उसने ख़त्म किया डिजिटल नोटिस करें यहाँ पर, जैसे ही ख़त्म हुआ फ़ौरन वो स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, बड़ा एक कंटिन्यूस इफेक्ट जा रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जैसे वो बोलना स्टार्ट करे, अब आपने देखना है उसने कितना तेज़ बोला, उसने बोला डिजिटल मार्केटिंग। अब आप इसमें क्या लिखें, पहले इसमें लिखें 0.5 सेकंड डालें यहाँ पे एनिमेशन टाइम, अगर आप उसमें देखें नहीं ये बहुत जल्दी हो रहा है, उसके बाद 1 सेकंड डालें। अब 1 सेकंड पहले आपने एक्सपेरिमेंट करना है किस पे सबसे करीब है ये, 0.5 करें, 1 करें, ठीक है, और फिर आप इसको कर दें 0.5 करें, जिस में आपको लगे कि ये ज़्यादा बैठ रहा है आपने वो एनिमेशन रखनी है, ठीक है, जिसमें उसकी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं बैठता, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कस्टम 20 सेकंड रख सकते हैं। सपोज़ अगर 1 सेकंड में भी 1 सेकंड भी ज़्यादा है, यानी टेक्स्ट जल्दी लिखा गया और वो फिर भी बोल रहा था, लाइक डिजिटल मार्केटिंग उसने बोला और डिजिटल मार्केटिंग पहले लिखा गया, टाइम कम था, लेकिन आपने जिसके बाद 1.5 किया, ठीक है, इसका टाइम क्या कर दिया, 1.5 कर दिया, और फिर आपने देखा कि वॉइस पहले ख़त्म होगी और डिजिटल मार्केटिंग बाद में लिखा गया, डिजिटल मार्केटिंग बाद में लिखा गया, आप इसके बीच में कैसे लाएंगे, ये एक सवाल है। सपोज़ आपने 1.2 सेकंड करना है, आप कैसे करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको 5 को हटा के 2 कर देंगे, और आप नोट करेंगे यहाँ पे देखें 0.2। अब हो सकता है कि आपको ये चाहिए हो, बहुत बार वैसे भी हो जाता है 1 सेकंड पे भी, 1.5 सेकंड पे भी हो जाता है, 2 सेकंड पे भी, क्योंकि जब फिक्स किए हैं। लेकिन अगर आप अपना कस्टम चाहते हैं तो आप खुद इस तरह कर सकते हैं 0.2। इसी तरह पॉज पे काम करता है, इसी तरह ट्रांजिशन पे भी काम करता है ये, और ये था एक बेसिक सी चीज़, ठीक है। और आगे चलते हैं, और मैंने स्क्रीन फिक्स की है जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और वैसे ही मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन देखें नीचे की तरफ बिल्कुल बॉटम राइट साइड पे ये टिक लगा हुआ है, इसका यही मतलब है, ठीक है, कि जो मुझे दिख रहा है इस वक्त वही एंड टाइम पे जो वीडियो बनेगी वही दिखेगा, वैसे अगर देखें बिल्कुल वही, इन द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप इसे क्लिक नहीं करेंगे तो आप देखते रहें क्या हशर होता है वीडियो। चलें जी, अब ये मूव टूल है, अगर आप देखें यहाँ पे मूव टूल है, ये मेरे मूव टूल्स पे रखा है, एक ड्रॉ होता है, ठीक है, ये वाला ड्रॉ, और एक होता है मूव। अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ड्रॉ हो, अगर कोई इमेज आपको अच्छी नहीं लग रही ड्रॉ होने में, अब सपोज़ मुझे ये पसंद नहीं है ड्रॉ होते हुए, ये देखें ये मुझे क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम से कलर आ जाता है, देखें ज़रा, ये देखें, ये मुझे पसंद नहीं है, आपकी पर्स डिपेंड करता है। अब इसको मैं करता हूँ मूव पे, अब मूव पे मैंने क्या किया, इसको मैंने मूव में क्या है कि मैंने इसको लिखा है, ये देखें, ये अब जहाँ मर्जी से मूव करा सकता हूँ, ऊपर से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। अब मैंने इस तरफ से इसको मूव कराया, यानी कि लेफ़्ट साइड से मूव होगा, ये कितनी देर में मूव होगा वो एनिमेशन में आप डिपेंड करता है। अगर आपने लिखा है कि 1 सेकंड में एनिमेट हो तो 1 सेकंड लगाएगा फ्रेम में आने में, अब मैंने 0.5 किया हुआ है, यानी ये 0.5 सेकंड लगेगा फ्रेम में आने में, उसका 0.5 सेकंड तक रुकेगा, फिर अगली चीज़ स्टार्ट होगी, वो है ये क्राउन। अब क्राउन का मैंने भी मूव किया हुआ है, अब देखें क्राउन का बड़ा मज़े का इफेक्ट मैंने डाला है कि मैंने उसको ऊपर से नीचे लाया, जैसे ये ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे, और इसको मैंने एनिमेशन टाइम दिया 1 सेकंड का, यानी 1 सेकंड लगेगा ऊपर से नीचे आने में और 2 सेकंड तक रुकेगा वहीं पे। आप देखेगा एक इफेक्ट है, अगर मैं इसको प्ले करूं, द बेस्ट वे टू मार्केट योर प्रोडक्ट, यहां से वो प्ले का बटन टाइप थी, एरो का बटन आया, ये भी मूव हुआ, लेकिन मैंने इसको ज़ीरो किया हुआ एकदम से आया ये, क्योंकि ये थोड़ा सा तंग कर रहा था मुझे, मैंने इसको उसके हिसाब से एडजस्ट किया, और ये भी मूव है। अब देखिए मैंने इसमें कोई ड्रॉ नहीं यूज़ किया, इससे क्या हुआ कि अगर मैं ड्रॉ यूज़ करता तो वीडियो मुझे अनप्रोफेशनल लग रही थी। अब देखें इसमें ड्रॉ में हो गया रहा, इसमें देखें कभी कभी ऐसा होता है, ये देखें, इसको मैं दोबारा दिखा सकूँगा आपको, अगर आप में आपको ड्रॉ में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप कभी भी ड्रॉ यूज़ ना करें, कभी भी ड्रॉ यूज़ ना करें, मैं बार बार बोल कर थक गया हूँ, पता नहीं लोग फिर भी यूज़ करते हैं। अब देखें इसमें खाली इसकी ग्लासेस बनी और पूरा बंदा बन गया, ज़रा भी नेचुरल इफेक्ट नहीं, इससे बेहतर, बहुत बेहतर है मूव टूल। मैंने क्या किया, इसको राइट साइड से इंटर करवाया फ्रेम में, 5 सेकंड लगे उसको आने में, 1 सेकंड तक रुका, सिंपल सी बात, टोटल एक इसने 1.5 सेकंड लगाए, डायरेक्टली टू द क्लाइंट, काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम है, मज़े का बंच ऑफ ईमेल्स की बात आती है या बहुत सी चीज़ें इस तरह आती हैं,
तो मैं इंशाल्लाह एक घंटे में कोशिश करूँगा कि ये वीडियो बंद हो जाए. हाउ मच टाइम वी हैव? ओके, वन मिनट लेफ्ट. ओके ग्रेट. अभी थोड़ा सा और बोलना पड़ेगा मुझे. इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे. अच्छा, अब मूव टूल क्या है? मैंने एक खत पकड़ा, ये लाइब्रेरी में से मैंने उठाया और बारी बारी देखिए, बिल्कुल मैंने कितना सेकंड टाइम लिया. अब इसको 0.5 सेकंड टाइम देता तो ये बहुत टाइम लगा देता. 0.5 टाइम, अब देखें कितना टाइम, अभी बहुत टाइम ले रहा है. फ्रॉम द बंच ऑफ ईमेल्स दैट आर आउट देयर, हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट? ठीक है, ये इससे कुछ टैग हो रहा है. मैंने बस कॉपियां इनकी बनाई, यहाँ से जाएँ, नीचे जाएँ, एक को क्लिक करें, इसकी कॉपी बनाएं और पेस्ट किया. एक कॉपी कॉपी सबकी कॉपी बना के मैंने एक दूसरे को बस टैग कर दी. और अब आप देख सकते हैं, अब मुझे 0.5 जब मैंने इसको किया था, जो कि बिल्ट इन है इसके अंदर, वो इतना मतलब इतना टाइम ले रहा था कि आप मतलब वीडियो ही आगे निकल जाती थी. फिर मैंने इसको उसके हिसाब से 0.3 सेकंड, मैंने आपको बताया था कैसे करना है, खुद आप टाइप करेंगे 0.3 सेकंड और पॉज ज़ीरो रखना है ताकि अगला फ़ौरन उसके बाद फ़ौरन होता रहे. पॉज होगा तो एक रुकेगा, फिर अगला खत आएगा, फिर रुकेगा, फिर अगला खत आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेडेक क्रिएट कर सकती है आपके लिए. ठीक है, तो स्मूद इन है. स्मूद इन का मतलब है कि आराम से आके एक जगह पे बैठ जाएगा. और फजूल सी हैं, एक गो फार मुझे थोड़ा पसंद है, बहुत कम डालता हूँ कि एकदम छटका सा मारती है, मुझे तो पसंद नहीं है. बाउंस है, अगर आप देख सको, ये भी सेटल इफेक्ट, आप जितना स्मूद कर सके हो उतना अच्छा है. ओके, तो यहाँ तक था. उसके बाद ये जो है, ये भी मैंने डाउनलोड किया था SVG. कोई करेक्टर नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लाइब्रेरी में कुछ भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा. ये करेक्टर मैंने डाउनलोड किया था. ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क मैंने बाद में डाले, ये देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क मैंने डाले, ये भी एनिमेट किए. अब मैंने इनको ड्रॉ नहीं किया, इनको आप गौर करें तो ये 0 सेकंड है, एकदम से आएंगे. देखें एकदम से, और ये अच्छा इफेक्ट है. ठीक है, अगर आप गोइंग टू डिफरेंशिएट व्हिच ईमेल इज फेक एंड व्हिच इज, और ये अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है. ये वही टेक्स्ट है, आपने मैच करना है हमेशा कि अच्छा, मैं स्क्रिप्ट की तरफ गया ही नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मैं स्क्रिप्ट की तरफ नहीं गया. Here we go. In the era of digital marketing, emails are one of the best way to market your product and service directly to the client. अब मैंने क्या किया है, मैं दिखाना चाहूँगा. Emails are one of the best ways to market your product directly to the client. अब हो क्या रहा है, देखिए, emails are one of the best ways. Emails, ये email का मैंने आइकन डाला, उसके बाद लिखा है. अब मैंने पूरा ये नोट, ये मैंने था कि ये पूरी जो लाइन है, जो मैंने ये इसको अंडरलाइन किया, ये मैं पूरी एक फ्रेम में लाऊंगा. अब मैंने यही किया, emails का आइकन डाला, उसके बाद लिखा वन ऑफ द बेस्ट वे को शो करने के लिए मैंने उसके ऊपर क्राउन डाला, भाई ये बेस्ट है. उसके बाद मार्केट योर प्रोडक्ट डायरेक्टली, ताकि आप मार्केट कर सको डायरेक्टली, कि डायरेक्टली का साइन मैंने डाला. और उसके बाद क्लाइंट को मैंने डाल दिया. अब मेरा ये एक फ्रेम हो गया. अब अगला क्या है, बट द प्रॉब्लम इज फ्रॉम द बंच ऑफ ईमेल दैट आर आउट देयर, हाउ यू गोइंग टू डिफरेंशिएट व्हिच इज फेक? अब मैंने क्या किया, अब मैंने प्रॉब्लम इज सपोज, अब मैंने ये दिखा रहा हूँ मैं आपको. अब नेक्स्ट फ्रेम में गया तो उसमें मैंने क्या किया, फ्रॉम द बंच ऑफ ईमेल्स हाउ यू, अब मैंने इनको हाईलाइट किया ये पूरी. अब मैंने कहा कि पूरी में, अब ये पूरी जो है, ये मैं पूरी की पूरी एक फ्रेम में बनाऊंगा. अब मैंने क्या किया, पर द प्रॉब्लम इज, अब प्रॉब्लम इज मैंने कहाँ पे रखा कि मैंने इसको स्टैक किया पूरा. द प्रॉब्लम इज फ्रॉम द बंच ऑफ ईमेल्स दैट आर आउट देयर, हाउ यू गोइंग टू डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब मैंने एक सोचने वाला बंदा साथ रख दिया, कि बंदा ये जो ड्रॉ किया मैंने, थिंकिंग कि सोच रहा है ये कि हाँ भाई मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँगा. ऐसा आपने करेक्टर ढूंढना है और ये आप सर्च करेंगे. ठीक है, आप सोचेंगे वेक्टर फाइल थिंकिंग. अब यहाँ पे आप जाएँ, सिंपल सी बात है, पिक्सल पे यहाँ पे आप, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आके आप लिखें थिंकिंग, आपको वेक्टर फाइल मिल जाएगी. थिंकिंग लिखेंगे, आपको वेक्टर फाइल मिल जाएगी. मुझे मिल गई थी, मैंने इसको यहाँ पे डाला, सिंपल इज दैट. और उसके बाद ये टेक्स्ट आना, अब देखिए ये टेक्स्ट मौजूद नहीं है. मज़े की बात बताता हूँ, इसमें कहीं नहीं लिखा इज़ दैट फेक. यहाँ पे लिखा है हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विच ईमेल इज़ फेक एंड विच इज़ नॉट. आप कैसे करेंगे कि कौन सी ईमेल फेक है, कौन सी ईमेल फेक नहीं है? अब मैंने, अभी बंदा सोच रहा है कि इज़ दैट फेक, मतलब कि वो सोच रहा है कि क्या ये ईमेल फेक है. और ऐसा कुछ भी नहीं था स्क्रिप्ट में, लेकिन मैंने डाला क्योंकि वो सोच रहा है, एक किस्म का आप ये इफेक्ट आना चाह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं हाँ भाई इज़ दैट फेक. तो मैंने इसको कवर कर लिया. सपोज मैं आगे चलता हूँ,
Suppose your target is to send. अभी millions of emails को मैंने show करने के लिए दोबारा से stack किया. Suppose that your target is to. अब मैंने कितना track किया? ये. अब मैंने कहा कि ये पूरा एक frame में डालूँ. हमेशा मैं ये करता हूँ कि जो script है वो रखता हूँ. अब मैंने पूरी underline की कि भाई ये पूरी एक और नया frame लिया. अब पूरा frame मैं इस पर draw करूँगा इसके ऊपर. जब तक full stop नहीं आता मैं draw करूँगा. जितना मैक्सिमम हो सका है आप एक फ्रेम में डालें क्योंकि वीडियो अच्छी लगती है. ज़्यादा मूव नहीं करती वीडियो. एक ही फ्रेम में जितना जितना डाल सकते हैं डालें. जितनी इतना भी ना डाल दें कि वो खप मच जाए. सपोज द टारगेट इज़ टू सेंड मिलियंस ऑफ ईमेल्स. अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है. मैं शो करूँ कि मिलियंस ऑफ ईमेल्स हैं. मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पे कि मिलियन. मैंने लिखा टाइप नहीं किया मिलियंस ऑफ ईमेल. मैंने उल्टा एक विजुअल दिया कि भाई मिलियंस ऑफ ईमेल है और मैं मिलियंस ऑफ डिफरेंट क्लाइंट को सेंड करनी है. पर इन द एंड मुझे कैसे पता चलेगा कि फिर आपको पता चला ये लिखें मिलियंस ऑफ ईमेल और आपको एंड में लिखें क्या लिखें. आपको एंड में पता चला कि आधी तो फेक थी. ठीक है तो ये मैंने शो किया कि भाई हाफ मीमे लाइन लगा के कि हाफ फेक थी और हाफ सही थी. ठीक है उसके बाद क्वेश्चन था अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ. अब ये बड़ी हेडलाइन थी जो कस्टमर ने कहा था और क्लाइंट ने कहा जिसने वीडियो बनानी थी उसने कहा था कि ये मुझे हाईलाइट चाहिए. अब ये हाईलाइट है कि कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. अब मैंने पूरा इसको अलग फ्रेम दिया. अगर आप मैं देखो माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही मैंने कद रख दिए थे. नाइस ओके अब मैंने देखा पूरा कंप्लीट वेस्ट. सिर्फ एक लाइन को मैंने इस पूरी लाइन को मैंने एक अलग फ्रेम दिया कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. अब मैं ये व्यूअर को बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा वेस्ट हो रहा है टाइम और मनी. तो मैंने इसको हाईलाइट किया रेड कलर में जो बहुत पसंद आते हैं. और जो क्वेश्चन मार्क हैं ये मैंने इसमें सेडल डाले हैं एकदम से आएंगे. देखिए देखिए ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. सो व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दिस. ठीक है अब मैंने क्यों डाले ये लिखा था. सो व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम. तो आप क्या कर सकते हैं अवॉइड करने के लिए. अब मैंने ये नहीं डाला कि यहाँ पर मैं लिखा मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा कि हाउ यू कैन अवॉइड. मैंने उल्टा क्वेश्चन मार डाले. ठीक है उस लाइन के रिलेटेड आपने कोई चीज़ सोचनी है और इसमें क्रिएटिविटी बहुत है आपकी. आई एम सॉरी आपकी क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है इसमें बहुत ज़्यादा. ठीक है तो आपने इसमें सोचना है. और हमारी 1.2 GB की फाइल बन चुकी है. ग्रेट अच्छा तो आपने क्वेश्चन मार्क डाले कि आपने कैसे इसमें इफेक्ट डालना है. ये क्रिएटिविटी है. आप सोचेंगे जितना क्रिएटिव हो सकते हो मैंने टाइम एंड मनी कैसे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम. उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताया. जस्ट ट्राई इट्स सिंपल. और क्या लिखा है और फिर मैंने इसको इट्स सिंपल. अब क्या हो रहा है. अब मैंने ये सारी की सारी एक ही जगह पे क्योंकि ये आपस में रिलेटेड थी तो मैंने एक ही फ्रेम में मेरे ख्याल से एक ही फ्रेम में मैंने कहा यस एक ही सेपरेट फ्रॉम यस एक ही फ्रेम में ये पूरा का पूरा मैंने टेक्स्ट लिखा. लिखे कैसे लिखा. इट्स सिंपल जस्ट ट्राई अवर ईमेल वेरीफायर ऐप. इट्स सिंपल. अब यहाँ से देखिए इट्स सिंपल टू यूज़. अच्छा टू यूज़ मैंने बाद में रखा. ये मेरी थोड़ी क्रिएटिविटी मैंने की थी. इट्स सिंपल जस्ट ट्राई अवर ईमेल वेरीफायर ऐप. उसमें ये लिखा नहीं आगे. मैंने उल्टा क्या किया एक बंदा लिया. ये मैंने वहीं से डाउनलोड किया पिक्सल फ्री पिक्स से बंदा लिया. उसको ये जो बंदा आया वाला जिसको मैंने अभी क्लिक किया हुआ इसका जो लैपटॉप था इसको आई तो ये जो इमेज थी इसको मैंने इसके अंदर डाल दी. ठीक है लैपटॉप के अंदर ताकि थोड़ा और प्रोफेशनल लगे. ट्राई अवर ईमेल वेरीफाई. वो बोर है कि ट्राई करें ना कि मैंने लिखा. विजुअल इफेक्ट जितना डाल सकते हैं डालें. ठीक है तो मैंने ये विजुअल इफेक्ट ये भी SVG है अगेन SVG है. ओके तो ये मैंने मूव करवाया वही मूव टूल से मूव हो रहा है. यहाँ से मैं लेफ्ट साइड से मूव करवाया. इसने 1.5 सेकंड लिए स्क्रीन फ्रेम में आने में. 1.5 सेकंड लिए रुका ये 1.5 सेकंड तक रुका. उसके बाद से अगली जो चीज़ थी वो स्टार्ट हो गई. इट्स वेरी सिंपल. अच्छा मज़े की बात देखें. इट्स वेरी सिंपल. जस्ट उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया. इट्स वेरी सिंपल टू यूज. ओके जस्ट राइट और ड्रैग मिलियंस ऑफ ईमेल्स. अब वो बता रहा था कि आप कोई भी राइट कर सकते हैं ड्रैग कर सकते हैं बहुत सी ईमेल्स को सॉफ्टवेयर में. आफ्टर सम टाइम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ईमेल्स इट विल कंप्लीट योर कंप्लीट स्टैट. अब कंप्लीट स्टैट मैंने देखें इसको यहाँ से एक ये VideoScribe में सर्कल मौजूद है. अगर आप यहाँ टाइप करेंगे लाइब्रेरी में सर्कल तो आप सर्कल आ जाएगा. आप पहले कोशिश करें कि इसकी लाइब्रेरी में से जो सिंपल चीज़ें हैं ना वो वीडियो इसके बेशक इसकी लाइब्रेरी में से डालें. ये जो इमेजेस हैं ये जो पर्सन हैं ये ज़रा कोशिश करिए. अब ये मेरा टेक्स्ट मैंने यूज़ किया था ये ग्रीन कलर का है और ग्रीन कलर का है. आप इसको क्लिक करेंगे तो जब वो आ जाएगा तो सिंपली देखें यहाँ पे भी ग्रीन शो कर रहा है लेकिन मैंने इसका कलर चेंज किया. यहाँ से अगर आप जाएँ ना फुल कलर में तो ग्रीन है
अगर आप सपोज आपको ये कलर पसंद नहीं है, मैंने कलर जैसा करना था जैसे सिंपल का कलर है, तो सिंपली आप जाएंगे फुल कलर से, ये सिल सिल होती जो भी वर्ड है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, सिंपल इस टाइम। और ये किया और उसके बाद मैंने बताया कि भाई ये कंप्लीट स्टैट शो करेगा ऐसे अंडरमार्क लाइन करके, और मैंने पूरा का पूरा यहाँ से डिफाइन, और ये अंडर लाइन भी मैंने वहीं से ली थी, नीचे लाइन्स लगी हुई हैं गुड और बैड ईमेल्स के नीचे। सो उसके बाद लिखा है सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ट्राई इट नाउ, और ये इसने लिख दिया सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ट्राई इट नाउ। इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि वॉइस मैच करे। अगेन कैसे मैच करेंगे, आपने बार बार ट्राई करनी है। आपने एनीमे अब देखें, अब यहाँ पे मजे की चीज़, यहाँ पे प्योर एग्जांपल आ गई है। अब जीरो पूरे वन सेकंड पे हो क्या रहा था कि वन सेकंड पे जो टेक्स्ट है वो बहुत स्लो था, मैंने पहले बोल दिया था और टेक्स्ट इतना फ़र्क नहीं पता चलता, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कभी कभी। अब वन सेकंड पे नहीं चाह रहा था, मैंने इसको 0.8 सेकंड किया खुद टाइप करके और इससे बिल्कुल मजे का चल रहा था। अगर आप नेक्स्ट भी देखें तो मेरे ख्याल से इसमें ये देखें 0.7 किया, हालांकि 1 सेकंड नहीं किया ना, मेरा काम चल रहा था 0.5 सेकंड में, मैंने इसको 0.7 किया। ट्राई करना पड़ता है आपको, जिस जगह पर आपको अच्छा लगे उस जगह आप कर लें। अब देखें जिसका आपको मेरे ख्याल से मसला भी आया होगा, अब देखें अब ये बोल रहा है कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ट्राई इट नाउ, ये रुका, ये बीच में रुका, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, रुका, फिर उसने बोला ट्राई इट नाउ। ओके यस, उसने फिर बोला ट्राई इट नाउ। अब जो रुका है उसमें आपने क्या करना है, एनिमेट जो वो बोल रहा है उसके साथ साथ जो रुका है ये पॉज, जितनी देर उसने चुप खामोश हुआ है वो 0.5 सेकंड मेरा मैच कर गया, 0.5 सेकंड में रुका, ये भी टेक्स्ट भी रुकेगा। So what are you waiting for? 5 सेकंड रुका, 0.5 सेकंड रुका, उसके बाद फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ट्राई इट नाउ, ये चीज दैट्स हाउ इट्स डन। और हमेशा जब वीडियो एंड करें तो थोड़ा बहुत टाइम छोड़ दिया करें, क्योंकि फौरन वीडियो एंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप वैसे वीडियो सब्सक्राइब मेरे ख्याल से 1-2 सेकंड आपको जब आप इसको करते हैं। अच्छा यहाँ तो आपको जब आप इसको यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं वीडियो, सिंपल सी बात, हमेशा कोशिश किया करें कि मूव MOV फॉर्मेट हो और 1080 कस्टमर को जो अगर आपको सेंड करनी है क्लाइंट को तो हमेशा फुल HD में सेंड करें। इवन के आप कभी भी ये ना करें, कभी भी, मैं पता नहीं क्यों लोग करते हैं ये हरकत, टाइम बचाने के पीछे इसको कर देते हैं जी 720 कर देते हैं, इसको 25 फ्रेम पर सेकंड कर देते हैं, कभी भी ना करें, यकीन माने कभी भी ना करें, आपकी वीडियो का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। टाइम बचाने के पीछे कितना घंटा लग जाएगा ज़्यादा ज़्यादा रेंडर होने में, लेकिन ऐसी मज़े की आती है वीडियो के, मैं भी क्लाइंट को सिर्फ इस वजह से भी अच्छी लग जाए, कितनी स्मूथ इमेज वीडियो बनती है कि क्या पता क्लाइंट को इसी वजह से अच्छी लग जाए। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मेट रखना है। उसके बाद जब वीडियो बन जाएगी तो उसका एक मसला होगा कि वो वीडियो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ वीडियो जब आप रेंडर करेंगे 1080p और 50 फ्रेम पर सेकंड पे, तो ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, मैंने रिसेंटली बनाई थी, यस मेरा पड़ी है। तो ये ओरिजिनल फाइल है, इसके नीचे बिल्कुल नीचे चेक करें, बल्कि यहीं पे चेक करें सामने, ये है 700 MB की फाइल, और इसको श्रिंक करना है आपने कितने पे चेक करें, 2.5 MB की फाइल। क्या पता बॉस को पता हो, जिनको नहीं पता मैं बताऊँगा कैसे रेंडर करनी है आपने। 2.5 MB और 700 MB में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई क्वालिटी लूज़ नहीं होती ज़रा भी। और आपने कैसे करना है, अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सिंपल आप यहाँ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर किया, ये फ्री है, कहीं से भी डाउनलोड कर लें, हैंड ब्रेक नाम है इसका, अगर आप यूज़ किया तो फेर एंड गुड, नहीं किया तो ये बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है। अभी जिस तरह मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब ये कितनी GB की बन चुकी है, 1.3, अब मैं 1.3 तो नहीं सेंड कर सकता आपको, इसको मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा। ओके, फिर आपको मैं सेंड कर दूँगा। अच्छा जितनी देर ये ऑन होता है, ठीक है, यहाँ से वो फाइल आएंगे जो आपने रेंडर करनी है, जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, ये 700 MB की फाइल, जब आप रेंडर कर लेंगे तो ये फाइल आएगी, स्कैन करेगा, सिंपल इज दैट। आपने क्या करना है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये MP4 हो, ठीक है, फॉर्मेट, ये वेब ऑप्टिमाइज पर टिक करना है, दिस वन, फिर वीडियो में आपने इसको 22 रखना है, यहाँ से फ्रेम एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, 22 पे रखना है, ये बेस्ट है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट फ्रेम पर क्लिक करना है, कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट,
और यहाँ पर आके आपने 50 फ्रेम, क्योंकि आपने ओरिजिनल वीडियो 50 फ्रेम पर सेकंड में बनाई है तो इसको भी 50 पर रखना है। और यहाँ से लोकेशन चूज़ करनी है कि किधर आपने वीडियो, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देनी है और आप कुछ ही वक्त में आपकी वीडियो बन जाएगी। ओके, तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो मैं वीडियो का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आपको कोई और क्वेश्चन तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।